हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। अभी हम लोग डोलरामा जा रहे हैं और बहुत बारिश हो रही है बाहर, आप देख सकते हैं विंडो से। मौसम बहुत ही मस्त हो गया है। विंटर के बाद जो ये स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हुई है ना यार, पीपल आर रियली एंजॉयिंग। मतलब सब लोग बाहर, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि रेन की वजह से पूरे जो ग्लास पेन्स हैं उनके ऊपर ड्रॉपलेट्स हैं पानी के, लेकिन जो यहाँ पर पूरी मतलब पार्क का एरिया है वहाँ पर लोग सारे अपने गेम खेल रहे हैं, सॉकर खेल रहे हैं, फुल मतलब मस्ती कर रहे हैं। ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं ना इस सीज़न को। हमारे यहाँ इंडिया में हमेशा रेन हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यहाँ रेन हो रही है। तो इतनी ठंड है बाहर, दो वेदर के अंदर आप नॉर्मली बिना जैकेट के बाहर घूम नहीं सकते हो, बट कर रहे हैं लोग इन्जॉय। दे आर एक्चुअली फीलिंग इट इन अ गुड वे कि हाँ यार, ये मतलब स्नो सीजन के बाद अब रेन आई है। सो हम लोग जैसे मैंने आपको बताया डोलरामा जा रहे हैं, तो आज आप लोगों को बताएंगे कि डोलरामा के अंदर कितने रेट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि मुझे पता है कि आप सब लोगों को काफ़ी वीडियोस आप लोग देखते हैं, आपको पता ही होगा कि डोलरामा इज़ मेंट फॉर लोवेस्ट एंड चीपेस्ट प्राइसेस है। तो यहाँ पर आपको जो आपके डेली यूसेज की चीज़ें हैं वो चीपेस्ट प्राइसेस में मिल जाती हैं, और जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं और अभी आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, वो अपना एक रिव्यू ले सकते हैं इस चीज़ से कि यार हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन करनी है हमारी पैकिंग के अंदर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्किप कर सकते हैं। तो आज दिखाते हैं आपको, चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये देखो गाइस, क्या व्यू है। मतलब इवनिंग हो चुकी है, अभी धीरे धीरे अंधेरा होगा 9 बजे तक, लेकिन बारिश की वजह से आज थोड़ा सा डार्क पहले लग रहा है अभी। Awesome. इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आप हमें कॉफी पिला सकते हैं सर? किसकी कॉफी पीनी है? मैकडी की, स्टारबक्स की? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स स्टारबक्स की पिएंगे। तुम्हारे कनाडा में आके भी हम लोग मतलब मैकडी की कॉफी पिएंगे तो फिर क्या है, ये तो हमने इंडिया में पी लेते थे। कमाल है भाई, शर्मा जी ने मोड़ लिया एक बार कहते, ये तो कमाल हो गया आज। तो कॉफी पीते हुए चलते हैं गाइस, डोलरामा जा रहे हैं, डोंट वरी, बट एक कॉफी बनती है आज। मस्त मौसम हो रखा है, तो आप लोग वेट कीजिए, हम लोग एक कॉफी लेते हैं और फिर हम डोलरामा पहुंचते हैं। और ये आ गया है हम लोगों का स्टारबक्स। फाइनली हम पहुंच गए हैं। So guys, मैं बारिश का मजा लेते हुए जा रही हूँ पूरा। शर्मा जी आ रहे हैं पीछे गाड़ी लेके। भाई ठंड लगे लगने तो कोई चक्कर नहीं है, कनाडा आए हैं, बारिश का मजा तो मैं लूंगी जरूर। मतलब विदाउट जैकेट घूम रही हूँ यार, मतलब सीरियसली बहुत मजा आ रहा है मुझे। मेरे को वैसे ना बारिश वैसे भी बहुत पसंद है, तो मजा आ रहा है, आप भी जरूर इंजॉय कीजिएगा अगर आपको बारिश मिलती है तो। एडमिंटन में तो हो रही है, मतलब रोज ऑल्टरनेट डेज पे या फिर हफ्ते के दो बार बारिश मिल रही है। और हम पहुंच गए हैं डोलरामा, ये है हमारा मिलब्रुक्स का टाउन सेंटर। वो देखो आप पीछे देख सकते हो, उड़ा रहा है, बट आप देख सकते हैं दिस इज द एंट्रेंस एंड वी आर गेटिंग इनसाइड। शर्मा जी भाग गए। It's closed. Oh, sorry guys, आज नहीं जा पाएंगे हम लोग शायद, ये क्लोज हो गया है, देखो पूरा बंद हो गया, कॉफी के चक्कर में क्लोज हो गया। Shit. सारे भूर का कचरा हो गया। वीडियो बनानी थी मुझे बहुत अच्छी वाली, बट कोई बात नहीं, ये
वीडियो आपकी होल्ड में रहेगी और नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा मतलब इंस्पिरेशन लेके आऊंगी और ये वीडियो आपको बना के जरूर दिखाऊंगी और डिटेल में दिखाएंगी, डोंट वरी। तो मैं फिर बारिश एंजॉय कर लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू। आपको मैं ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। मैं नजदीक से एक व्यू ले लेते हैं। अब हम लोग डोलरामा तो जा नहीं पाए, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यार मैंने स्पेशल पार्किंग भी लगाई है गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो मौसम का किस तरीके से नजारा लिया जा रहा है। वाओ, इस बहाने थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा। व्हाट इज दिस, होम ऑफ द पैंथर्स। ये देखो गाइस पीछे सब लोग फुल मतलब मजे से खेल रहे हैं। अपने सारे देसी भाई हैं ये। अब होता है ना कि गुफा से बाहर निकले अभी स्नो की, तो इनके लिए तो मतलब बारिश जन्नत हो गई जन्नत। वाह ये लो धूप भी आ गई, वो देखो उधर से धूप आ गई। ये कैसा मौसम है भाई कैनेडियन सर, रात के 8:30 धूप आ रही है यार, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ये इनके अलग ही नजारे हैं। वाओ ये देखो गाइस, मतलब अगर मुझे सॉकर आता होता ना मैं घुस जाती इनके साथ खेलने के लिए, मजाक नहीं तो मन कर रहा है ना मेरे भी बारिश के मौसम में। बाहर ठंड नहीं है पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लग रही, लग रही है नहीं ना। जैकेट वैकेट तो ऐसे पहनी हुई है जैसे बहुत ठंड हो रही है यार। ये देखो गाइस व्यू देखो आप, ये यहाँ पर, अरे वाह इंटरेस्टिंग। ये हमारा मिलवुड का पार्क है, साउथ एडमिंटन में है और यहाँ पर जनरली लोग ना पूरा मतलब सॉकर खेलते हैं। ये यहाँ से देखो इस एज से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही बड़ा पार्क है यार। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ना जितना है कैप्चर हो सकता है। देखो यहाँ से ये पूरा वो आपको शेडो दिख रहा है ना उससे भी आगे है, काफ़ी आगे तक है। और वहाँ पर बच्चों के लिए भी ना स्पेशल सॉकर प्लेग्राउंड बना हुआ है। ये तो अभी गार्डन में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, अदरवाइज लोग ना वहीं खेलते हैं। और यहाँ पे क्लब के मैचेस भी होते हैं, डिफरेंट जो एडमिंटन के क्लब्स हैं और बच्चों के अपने अकेडमीज हैं उनके मैचेस होते हैं। मैं संडे को एक बार आई थी, मैंने देखा था। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी दिखता है तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। ये हमारी पार्किंग है और यहाँ से ये रोड है आपका। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ, आज की इवनिंग वर्थ हो गई, बारिश का आनंद ले लिया। ये देखो अपना इंडियन फुल स्पीड में, कोई चक्कर नहीं है। चलो पार्किंग लॉट है, चलता है इतना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर लेती हूँ बैठे बैठे जब तक हम घर पहुँच रहे हैं अभी। और मुझे लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शर्मा जी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप प्लीज़ आज अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी अपनी झलक दिखाइए और बताइए उनको कि ये रेक सेंटर जो आपका आपने मुझे बताया, ये जो पार्क है गाइस, इस पार्क का जो मेन सेंटर है उसको हम लोग नॉर्मली रेक सेंटर बोलते हैं। रेक मीन्स रिक्रिएशनल सेंटर है ये, तो ये मिलवुड का रिक्रिएशनल सेंटर है। यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारी फैसिलिटीज है, मेरा भी एक्सप्लोर करना बाकी है बट शर्मा जी को काफी आइडिया है। तो प्लीज शर्मा जी आइए आप कैमरा पे और बताइए सब कुछ। इसमें इंडोर एक्टिविटीज हैं, अच्छा इंडोर गेम्स होते हैं, जिमनेजियम है, तो जिमनेजियम भी है इसके अंदर। विंटर में लोग आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आते हैं।
अच्छा समर में भी रहते हैं। ओके मतलब इंडोर और आउटडोर, आउटडोर तो मैंने देख ली है अभी क्योंकि हम लोग समर में आए तो हम देख ही रहे हैं सारी। अच्छा तो इंडोर एक्टिविटीज भी है नॉर्मली हमारे पास। तो इसके कोई चार्जेस होते हैं हम लोगों के? किसी भी एक्टिविटी के चार्जेस नहीं होते हैं? अच्छा ये हम लोग एंटर कर गए। अच्छा शर्मा जी फुल फॉर्म में आपको दिखाएंगे, बिल्कुल क्रिश्चियन सेंटर की तरफ ही मोड़ ली गाड़ी, घर नहीं जाना है आज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को मजा आ रहा है, मौसम के फुल नजारे आ रहे हैं। आपको अच्छा टैक्स फाइल करते हो तो उसके बाद आपके आपको अप्लाई करना पड़ता है, कार्ड और आप शर्मा जी बताएंगे आपको बिल्डिंग है इसके अंदर बहुत सारी क्योंकि अच्छा यही टैक्स फाइल कर रहे हैं, यही सब्सिडाइज करेंगे है ना। हमारी अभी जर्नी स्टार्ट होनी है टैक्स स्टेशन की, तो नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली हमें भी पता चल जाएगा, लेकिन मीन वाइल आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो एज पर हिम ये रिक्रिएशन सेंटर जो है आपका, मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं दिखा देती हूँ ना, बिल्कुल। ये देखिए गाइस, ये आपका एंट्रेंस है मेलवुड रिक्रिएशन सेंटर का। आप लोग वेबसाइट पर भी देखेंगे ना तो यही व्यू आता है, मैंने देखा था ये। ओके क्लोथिंग का, अच्छा जो छोटे हो गए हैं कुछ यूज़ नहीं। अच्छा क्लोथिंग और कोई भी एक्स्ट्रा सामान आप डोनेट कर सकते हो वगैरह आप इसमें दे सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर यहाँ पर आकर मतलब जो ये तीन कियोस्क बने हुए हैं, एक अच्छा है क्लोथिंग, ये मॉम्स कनाडा और ये इनके एनजीओ है ना जिनके नाम लिखे हुए हैं, डायबिटीज कनाडा। तो आप यहाँ पे आए अपना बॉक्स, ये मैंने आई थिंक डोलरामा में भी देखा था, वहाँ पे ना एक एनजीओ वाले ने अपने बॉक्सेस रखे हुए कुछ कुछ। अच्छा ओके नाइस। हाँ ये भी एक चैरिटी का ही है गाइस, देखिए यहाँ पे आके okay. आप तो अभी हम लोग एंटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अंदर, बट अभी आप लोगों को बस एक बाहर का ओवरव्यू दिया है। जब मैं यहाँ पर फुल मतलब जाऊंगी तो हम लोग पूछेंगे, पूरा सर्वे करेंगे इसका, तो उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। व्हाट इज दैट, होली ट्रिनिटी कैथोलिक स्कूल? ओके दिस इज कैथोलिक स्कूल। ओके 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 ठीक है। हाँ ये बहुत अच्छा बेनिफिट है मेरी लोकेशन का यार, जो मैं साउथ एडमिंटन में हम लोग रह रहे हैं, कि मेरे जोन के अंदर पांच स्कूल है। जनरली मैंने डाउनटाउन वाले जो है हमारे मतलब नोन है रिलेटिव्स हैं जो भी यहाँ पर रह रहे हैं उनसे जैसे बातचीत होती रहती है, तो वो बोलते हैं कि हम लोगों को तो यार मतलब हार्डली एक ऑप्शन मिल जाए, दो ऑप्शन मिल जाए उतना ही बहुत है, हमें ऑप्शन ही नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पे जोन वाइज आप लोग ले सकते हैं ना एडमिशन, तो उनके पास मतलब ले दे के एक ऑप्शन है, बस अपना जाओ सीधा वहां पे आप बात करके मतलब एडमिशन करा दो। लेकिन हमारे वाली जोन में बहुत फायदा है, हमारे जोन के अंदर हम लोगों के पास पांच स्कूल है नियर बाय, तो हमारे पास फुल ऑप्शन है, हम किसी में भी जाके अपना बात कर सकते हैं, जो हमें ठीक लगेगा जिसकी रेटिंग अच्छी होगी ना हम उसमें मतलब एडमिशन करा सकते हैं। या गाइस वेबसाइट पे ना रेटिंग चेक कर सकते हैं हम लोग स्कूल्स की, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। तो लोग जनरली क्या करते हैं ना, स्पेशली हम इंडियन जिनको थोड़ा स्टडीज से बड़ा कंसर्न सा रहता है, हम लोग वहाँ की रेटिंग चेक करते हैं और रेटिंग चेक करके अपना मतलब एडमिशन का प्रोसीजर करवाते हैं। तो दैट्स गुड, मतलब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इससे हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता है जैसे हम लोग न्यू है। तो ये हम लोग स्कूल के बिल्कुल सामने वाले प्लाजा में भी आ गए हैं, यहाँ से मैंने आपको स्पेशली दिखाने के लिए ही गाड़ी घुमाई है। देखो ये एजुकेशनल डे केयर है, तो जनरली यहाँ पे क्या है ना कि आपको मेड सेंटर, डेंटल क्लिनिक्स और एजुकेशन डे केयर्स ना बिल्कुल मतलब आपको सामने स्कूल के प्लाजाज में मिल जाते हैं। वो इसलिए ये देखो अपना एक सॉरी मैं अभी आप लोगों को कुछ और दिखाने लगी, बट ये देखो यार वाओ, ये पकवान हमारा इंडियन है, KFC हमारा फेवरेट ब्रांड, देन हमारा क्लासिक पिज्जा पकवान, आयुरी फूड्स, अरे गुड यार सारे ऑप्शन है, और ये बिल्कुल मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बढ़िया है। हम आएंगे यहाँ पे अब समर में। अच्छा ये स्कूल आ गया, हाँ तो हम डे केयर की बात कर रहे थे ना, तो ये देखो एक दूसरा स्कूल आ गया, ये भी कैथोलिक स्कूल ही है, और ये वही स्कूल है जिसमें हम लोग सुबह आए थे यार, मैं और निर्प्रिया सुबह इसी स्कूल में आए थे विजिट कर। तो आप डे केयर फैसिलिटी बिल्कुल स्कूल के सामने अवेल कर सकते हो, इससे आपका क्या ना कि कॉम्यूट का टाइम बच जाएगा, कि आप आ रहे हो अपने ऑफिस से तो डायरेक्टली बच्चे को डे केयर से लिया आपने, पिक किया और अपना घर पहुंच गए। तो आज आपको मैंने नॉर्मली मौसम का मजा लेते हुए काफी कुछ दिखा दिया, तो ये टाइम हमारा वेस्ट नहीं गया, हालांकि हम डोलरामा नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ कॉफी इंजॉय की हमने, और हमने रेक सेंटर विजिट किया, हमने प्लाजा विजिट किया, हमने आपके साथ बातें करी, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था वैसे, ये टाइम जो मुझे मिल जाता है ना मैं एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ अपनी रूटीन में से, मुझे बहुत रिलीफ फील होता है, और सीरियस
तरीके से मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा। हम पार्किंग में पहुंच गए हैं, अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान करते हैं और आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो शर्मा जी का भी थैंक यू, आज तो बनता है, बहुत इन्फॉर्मेशन दी है सर आपने, सर आपकी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय।